हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूरजमुखी के बीजों का प्रयोग कैसे आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे आप प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं सूरजमुखी के बीजों का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूरजमुखी का प्रयोग जो कि आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सूरजमुखी के बीज लेने हैं, ये किसी भी मार्केट में, किराना स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इन बीजों को आपको लेना है, कम से कम आप मुट्ठी भर बीज ले सकते हैं या उससे कम लेना चाहें तो 2 चम्मच आप बीज ले सकते हैं, और फिर इन बीजों को आपको पानी में भिगो कर रख देना है। फ्रेंड्स, रात भर ये जो बीज हैं वो फूल जाएंगे, उसके बाद सुबह आपको इसका एक घोल बनाना है। इसको पीस लीजिए, पीस कर इसका एक घोल तैयार कर लीजिए, और इस घोल में कम से कम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हल्का सा 2 या 3 बाइट जो केसर की, कम से कम आधा चम्मच केसर आपको मिक्स करना है और उसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको आपको अपने फेस पे लगाना है। फेस पे लगाने के बाद इसको आप आधा घंटा रख लीजिए, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको धो लेना है। फ्रेंड्स, नॉर्मल पानी से आपको इसको धोना है। धोने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपका चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह एकदम खिल उठेगा, और यह प्रयोग आप कम से कम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रयोग अगर आप करते हैं रेगुलरली तो आप देखेंगे आपकी प्राकृतिक सुंदरता तो वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन अगर आपको फेस में कोई प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है या रिंकल्स होने स्टार्ट हो गए हैं, एज इन साइंस दिखने लगे हैं, तो वो सारे कम हो जाएंगे, बिल्कुल ही ख़त्म भी हो जाएंगे अगर आप ये प्रयोग रेगुलरली करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हम आपके लिए लेके आएँ तो उसको सबसे पहले आप देख सकें।